राज्य में आरक्षण के मुद्दे को लेकर विभिन्न समाज रास्ते पर उतरा है। उसी श्रृंखला में धनगर समाज द्वारा आज तीव्र मोर्चा निकाला गया। इस वक्त आंदोलनकारियों ने जानकारी दी कि पिछले कई सालों से धनगर समाज अनुसूचित कोटे की मांग कर रहा है, जिसका वह हकदार है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते धनगर समाज का अधिकार मारा जा रहा है। आज भी धनगर समाज काफी मात्रा में पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस ओर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम तीव्र मोर्चा निकालेंगे, ऐसा इशारा धनगर समाज के युवा अध्यक्ष विजय डाकुरे ने दिया। दर्शकों, शीतकालीन सत्र के तीसरे कार्य समय में यहाँ धनगर समाज जो है अपनी विभिन्न मांगे लेकर आया है। इस वक्त हमारे साथ आंदोलक मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे किस प्रकार की मांगे आपकी, क्या कहना चाहेंगे, सरकार को घेरने आ पाए। पहली बात तो जय मल्लार अहिल्या देवी होलकर विजय असो का, काफी 70 वर्षों से काफी मानने है हमारी कि धनगर एसटी है, जो एसटी 36 है, जो आरक्षण है वो अभी तक अमल वजनी नहीं हो पाई है, क्योंकि काफी वर्षों से है कि हम लोग धनगर समाज एसटी में है, एसटी प्रवर्ग में है, लेकिन आरक्षण नहीं मिल गया। ये तो वही बात हो गई कि भाई 26 नवंबर 1949 है, संविधान तो लागू हुआ है, संविधान एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन उसको लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की डेट देखी जा रही है। ये वही बात हो गई है। तो हमारी मांग यही है कि धनगर 36 एसटी आरक्षण ये अमल वजह होनी चाहिए, यही हमारी मांगनी है बस। हर देखा जाए तो जो है मराठा आरक्षण की मांग उठी, उसके बाद ही धनगर समाज जो है एक्टिव हुआ है, ऐसा भी बोला जा रहा है, क्या है? देखिए, मराठा और धनगर समाज दोनों भाई है, कहीं ना कहीं मराठा की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा 5 करोड़ के ऊपर है, मतलब पहले नंबर का समाज है और दूसरे नंबर का धनगर समाज है, मतलब छोटा भाई है। तो ये अपन ये नहीं बोल सकते कि दोनों में भानगढ़ चालू है, मराठा और धनगर का है, ऐसा कुछ नहीं है। मराठा भी मांगनी वही है कि भाई उनको ओबीसी में जो ओबीसी में वो धनगर ओबीसी में जो उनका प्रवर्ग है वो नहीं मिलना चाहिए, वैसे हमारे धनगर समाज की मांगनी है, लेकिन ये धनगर समाज की काफी पहले से है। यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आप अगला कदम क्या लेंगे धनगर समाज के? हमारा अगला कदम यही है कि जो सत्ते पे लोग बैठे हैं, जो सत्ते पे है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, कोई पार्टी का नहीं है, जो सत्ते में है उसके विरोध में हम लोग है। तो धनगर समाज को अगर ये मांगनी हमारी जो एसटी आरक्षण की अगर वो नहीं मिल रही है तो इससे बड़ा विशाल मोर्चा ये निकलेगा। लेकिन अभी अगले साल से तो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो वही पे चुनाव में आपको असर देखने को मिलेगा, धनगर समाज का आक्रोश यही से मिलेगा और आगे वाले चुनाव में इसका असर आपको जरूर मिलेगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं शीतकालीन सत्र के तीसरे कार्यालयीन समय में जो है पूरा जो है ये मोर्चे का सभागार है, जो है मोर्चा पॉइंट पूरी तरह से पीला हो चुका है। धनगर समाज के आंदोलक बड़ी मात्रा में जो है आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ की निरंतर नारेबाजी की जा रही है कि हमें जल्द से जल्द एसटी कोटा दिया जाए। धनगर समाज द्वारा जो है निरंतर मांगे की जा रही है कि हमें एसटी प्रवर्ग का जो कोटा है, एसटी प्रवर्ग का आरक्षण दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में विशाल जो है जो चुनाव में है कहीं ना कहीं जो है कटौती सरकार की इसमें दिखेगी, ऐसा भी कहीं ना कहीं छुपा इशारा आंदोलकों ने दिया है। साथ ही साथ जो है शीतकालीन सत्र में यदि पूरी मांगे पूरी नहीं होती, ये सबसे बड़ा जो इशारा यहाँ दिया है, और यदि मांगे पूरी नहीं होती तो विशाल मोर्चा निकलेगा, ये भी जो है छुपा इशारा पूरा जो है घोषित इशारा यहाँ दिया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं मनीष टिमरे, एनबीसी न्यूज के लिए नागपुर।